जहां कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की समीक्षा बैठक जारी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस बैठक में मौजूद हैं। कई एडीजी रैंक के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं और सभी जिलों के डीएम एसएसपी एसपी वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस मीटिंग से। तो देखिए, सरकार बनने के बाद सीएम की यह सबसे बड़ी बैठक है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर ये बड़ी बैठक है जिसमें सभी महकमे के जिम्मेदार लोगों को शामिल किया गया है। इस बैठक की तस्वीरें देखिए और हर जिले के डीएम एसएसपी एसपी इस बैठक में वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं। 9 बजे का वक्त था और इस बैठक की तस्वीरें आ रही हैं। अभी भी ये बैठक चल रही है ये जानकारी है। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह मौजूद हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौजूद हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार बनने के बाद योगी 2.0 की ये बहुत बड़ी बैठक है जिसमें तमाम जिम्मेदार लोगों को जोड़ा गया है वर्चुअली और प्रेजेंस भी देखी जा रही है। इस बैठक की तस्वीरें भी आ रही हैं और चलिए हम ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी शैलेश से। तो शैलेश, क्या 9 बजे ही ठीक शुरू हो गई थी मीटिंग? जी बिल्कुल, 9 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है थी और उसके बाद 1 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक बैठक अंदर जारी है। और अधिकारियों के आने की अगर बात करें तो लगभग 8:15 बजे से यहाँ पर अधिकारियों का आना शुरू हो गया था। यहाँ पर इस समय अगर बात करें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, एडीजी, एलओ, डीजीपी सभी अधिकारी अंदर मौजूद है। एडीजी रैंक के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद है। इस समय मुख्यमंत्री आवास पर हैं, यहाँ पर अभी बैठक चल रही है फिलहाल, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। और दूसरी एक अहम चीज़ आपको बताएं, आज की जो बैठक है कानून व्यवस्था, नवरात्र शुरू हो रहे हैं इसको लेकर जो तैयारी की गई है गृह विभाग की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर, उससे जुड़ी समीक्षा, इन सारी चीज़ों को लेकर ये बैठक आज यहाँ पर हो रही है और सभी अधिकारी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार हमने देखा बैठकों का सिलसिला योगी सरकार पार्ट 1 में नजर आता था, देर रात तक दिन में बैठकें शुरू होती थी, देर रात तक चलती थी, वही सिलसिला एक बार फिर से दिखने लगा है। अगर बात करें तो आज इस बैठक से पहले जो आयोग है बहुत सारे उत्तर प्रदेश के और बोर्ड हैं भर्ती से जुड़े हुए, उनके अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और एक लक्ष्य दिया कि 100 दिन में 10,000 रोजगार की उन्होंने बात कही, भर्ती परीक्षाएं जल्द से जल्द कराई जाए। और उस बैठक के तुरंत बाद ये मुख्यमंत्री आवास पर अब बैठक हो रही है जो कानून व्यवस्था को लेकर है, नवरात्र की तैयारी को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें तो देखिए कोरोना के मामले ही बढ़े हैं, कम हुए हैं, माफ कीजिएगा, कोरोना केसेस भी कम हुए हैं। ऐसे में इस बार नवरात्र का जो पर्व आएगा वो पिछले 2 साल के मुकाबले अगर हम देखें तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा की बात की जाए, मंदिरों में बात की जाए, तो पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार भीड़ भी बढ़ेगी और ये बात पूरे अमले को मालूम है। चुनौतियां तो सामने आएंगी, खुल करके सामने आएंगी जब कोरोना के बाद से चीजें अपनी ट्रैक पर दिखाई देंगी। तो सुरक्षा व्यवस्था हो, कानून भी ट्रैक पर होने चाहिए, इसी को लेकर ये बड़ी बैठक चल रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शैलेश, हमारे सहयोगी लखनऊ से जहां ये मीटिंग चल रही है वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, बता रहे